दोस्तों आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर यह पॉइंट को आप रेगुलर प्रेस करते रहोगे तो आपके शरीर का कोई भी पेन आराम से आप गायब कर सकते हो, और यह पॉइंट दबाना भी बहुत ही आसान है, इनको फाइंड आउट करना भी बहुत ही आसान है। आराम से यह पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो और यह पॉइंट आपके हाथ में ही है। तो यह पॉइंट को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, और आपके शरीर में कभी भी कोई भी जगह पर दर्द हो तो यह पॉइंट का आप यूज करके अपने दर्द को गायब कर सकते हो। तो पहले जानते हैं कि यह पॉइंट कहाँ पर आता है। यह पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके से अपने हाथ को रखना है, फिर दूसरे हाथ के थंब और आपकी कोई भी फिंगर ले सकते हो, इनको ऐसे रख देना है। इस तरीके से एक हाथ को ऐसे रखना है, दूसरे हाथ के थंब को आपके हाथ के पीछे की साइड रखना है इस तरीके से, फिर दूसरे हाथ की कोई भी उंगली आप आगे रख सकते हो, सपोर्ट के लिए सभी उंगली भी रख सकते हो, पर खास करके आपका जो थंब है उनको पीछे की साइड रखना है। और यह पॉइंट कहां पर आएगा, जो इंडेक्स फिंगर और आपके थंब की जो हड्डी यहां पर आती है, वह दो हड्डी जहां पर एक दूसरे से मिलती है वहां पर आपको यह पॉइंट मिलेगा। तो आप देखते जाइए, यहां से आप शुरू करिए और जहां पर यह दो हड्डी, यहां पर देखिए यह दो हड्डी एक दूसरे से मिल गई, तो यह हमारा पॉइंट हो गया। तो यहां पर आपको इस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है ऐसे, या तो फिर दूसरी तरीके से आप देखो तो आपके थंब को आपकी उंगली के आपके हाथ के साथ ऐसे जोड़ दीजिए, तो जहां पर आपका सबसे टिप वाला भाग दिखता है वहां पर ही यह पॉइंट आपको मिलेगा। तो यह हो गया हमारा सबसे टिप वाला भाग, ऐसे आप दबा के देखोगे तो सबसे ऊपर वाला भाग जो है यह वाला, तो यह हो गया हमारा पॉइंट। यही पॉइंट हमें दूसरी तरीके जो पहली टेक्निक बताई वहां, वो तकनीक से भी आपको ऐसे यहां पर यह पॉइंट मिलेगा। तो यह पॉइंट को आपको ऐसे दो तरीके से आप दबा सकते हो, या तो पहले तरीके में इनको ऐसे दबा के रखना है, दबाने के बाद इनको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, ऐसे काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनके बाद इनको छोड़ देना है। ऐसे आप 5 से 10 बार तक कर सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी, जैसा आपको दर्द हो रहा है उनके हिसाब से आप इनको दबा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आपको ज़्यादा टाइम करना है, अगर कम दर्द है तो आप कम टाइम में ही आपके दर्द से राहत ले सकते हो। अभी दूसरी तकनीक हम जान लेते हैं। इसमें आपको दबा के नहीं रखना है, पर कंटिन्यूस दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, इस तरीके से दबाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से पहली तकनीक में आपको दबा के रखना है, फिर 20 काउंट तक होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। या दूसरी तकनीक में आपको इनको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, पंपिंग करना है। इनके अलावा आप इनको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्लॉकवाइज 5 times, एंटी क्लॉकवाइज 5 times, ऐसे 5 से 10 बार आप कर सकते हो। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है, आपके शरीर के कोई भी दर्द में यह पॉइंट आपको फायदा देगा, और यह बहुत सारे पेशेंट में प्रयोग किया हुआ पॉइंट है, इनको आप जरूर प्रयोग कर सकते हो। आपके सिर दर्द हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, फिर भी यह पॉइंट का आप एक बार प्रयोग करके देखिए, 5 से 10 मिनट में ही आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर भी आप यह पॉइंट का प्रयोग कर सकते हो और तुरंत अपने दर्द में फायदा ले सकते हो। दोस्तों यह पॉइंट का नाम है LI4, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन 4 नंबर का पॉइंट। यह पॉइंट के बारे में आप डिटेल में भी जान सकते हो, नेट पर आप सर्च कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। आप इनका प्रयोग करिए और अपने शरीर में कोई भी दर्द को कम करिए।
तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इनको लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग को फ़ायदा मिल पाए। बहुत सारे लोग अपने दर्द को कम करने के लिए बहुत सारी पेन किलर्स लेते हैं, तो यह एक छोटा सा पॉइंट दबा कर भी आप पेन किलर जैसे ही इफेक्ट अपने शरीर को दिला सकते हो, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दिला सकते हो। तो अगर आपको आप ऐसे वीडियो चाहते हो कि आप अपने हेल्थ के लिए ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।